दोस्तों, दिलीप कुमार, जिन्हें बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था, 7 जुलाई 2021 को 98 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन दिलीप कुमार अपने फैंस और चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। आइए जानते हैं दिलीप कुमार के बारे में 7 अमेजिंग फैक्ट्स। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उन्होंने फिल्मों के लिए अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार कर दिया था। दिलीप कुमार ने साल 1966 में सायरा बानो से शादी की थी, जो कि उनसे 22 साल छोटी थी। 1981 में उन्होंने एक और शादी की थी, जो सिर्फ 2 साल चली। दिलीप कुमार का नाम 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है, जिसकी बराबरी सिर्फ शाहरुख खान ने की थी। उन्हें आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड साल 1992 में फिल्म सौदागर के लिए दिया गया था। दिलीप कुमार के नाम लगातार 3 साल 1955, 56 और 57 में फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है, जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। बंटवारा के वक्त दिलीप कुमार का पूरा परिवार पाकिस्तान से मुंबई आ गया था, जहां उनके पास न घर था न पैसे। तब वो एक सैंडविच स्टॉल में काम करते थे, जहां उन्हें दिन का 1 रुपया मिलता था। दिलीप कुमार ऐसे इकलौते भारतीय हैं जिन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से नवाजा गया है। दिलीप कुमार हिंदी, पंजाबी, पश्तो, उर्दू, मराठी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, फारसी, भोजपुरी और अवधी जैसी भाषाओं में बात करने में निपुण थे। ये थे दिलीप कुमार के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।